खबर से जहां तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस प्रतीक्षालय में टकरा गई, जहां प्रतीक्षालय में बैठी गर्भवती महिला और उसकी पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक गर्भवती महिला की बहन के साथ ही एम्बुलेंस में बैठे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि 108 एम्बुलेंस का भी अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक मौका पाकर फरार हो गया। वहीं घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। चीज को लेकर धरना कर रहे हैं आप लोग? मैं आलोक कटियार वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, ये धरना प्रदर्शन हमारे प्रदेश के आह्वान पे हो रहा है। इसमें हमारी लंबित मांगे थी पिछले दो वर्षों से, जो सरकार द्वारा वार्ता भी हुई थी लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, और जो हमारी ट्रांसफर नीति है उस पर भी कार्यक्रम नहीं हुआ है, और तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित साथी हैं, विकलांग हैं, जैसे कैंसर रोगी हैं, उनकी भी मतलब जो ट्रांसफर नहीं थी, स्थानांतरण नहीं थी होनी चाहिए, उस पर भी कुछ कार्य नहीं हुआ है। तमाम और बीमारी थी जो सरकार द्वारा नहीं पूरी की गई हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन है, कैडर चेंज है, ये सब चीज़ें थी। उसी को लेकर 20 तारीख से काला फीता बांध के 2 घंटे का कर रहे थे काम, और आज से हम लोग 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो आज से अब आप क्या करेंगे कार्य? अब जैसे अभी प्रदेश से नेतृत्व तो मिलता रहेगा वैसे कार्य। कब तक अनशन चलेगा आपका? ये अभी प्रदेश से बात होगी उस हिसाब से चलेगी, तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए उसकी बात ना हो तो इमरजेंसी बैंक तक की जाए। आपकी मांगे जब तक? हाँ, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग तब तक अनशन। हाँ, वार्ता के लिए कम से कम खुला है, वार्ता तो हो जाए। वार्ता चीज को लेकर धरना करते हैं।